अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा की। केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश पार्टी में उपजे असंतोष को थामने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा देने का निर्देश दिया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया। राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने संवाददाता सम्मेलन में 4 साल तक राज्य की सेवा का अवसर मिलने के लिए जनता और अपनी पार्टी के नेतृत्व का आभार भी जताया। आइए देखते हैं रावत ने अपने इस्तीफे के ऐलान के समय और क्या बड़ी बातें कही हैं। नमस्कार, मैं लंबे समय से राजनीति में काम कर रहा हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और प्रचारक के नाते, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के नाते, और विगत लगभग 4 वर्ष से पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूँ कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। एक छोटे से गांव में, जहाँ आज भी 7-8 परिवार रहते हैं, उस गांव में मैंने जन्म लिया। एक सैनिक के परिवार में जन्म लिया और पिताजी पूर्व सैनिक थे। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान देगी, सोच भी नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव था। एक छोटे से गांव के, एक छोटे से अति साधारण परिवार के एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 4 वर्ष में, आज कितना तारीख है, 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में, तो ये कितना मौका मुझे दिया है। मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। विशेषकर जो हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, किसानों के लिए, तमाम जो हमने यहाँ पर नए नए कार्यक्रम दिए, ये 4 वर्ष का मौका अगर पार्टी मुझे नहीं देती तो इन योजनाओं को मैं नहीं ला सकता। महिलाओं का पति की पैतृक संपत्ति में खातेदार के रूप में उनकी हिस्सेदारी और एक घसियारी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, जो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए अति संवेदनशील पहल है सरकार की, अब जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे। मेरी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं अभी अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया हूँ। धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फैसले होते हैं तो सामूहिक विचार के बाद ही होते हैं।
आज 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 अध्यक्ष जी से मत करिए, आप अध्यक्ष जी को आप फिर मौका देंगे। कल पार्टी मुख्यालय पर 10 बजे पार्टी विधानमंडल दल की बैठक है, सभी विधायक उसमें कल रही। नहीं देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको लिखे जाना पड़ेगा उसके लिए। माना जा रहा है कि राज्य सरकार के मंत्री धन सिंह रावत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मजबूत विकल्प के रूप में उभरे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड से सांसद अजय भट्ट और अनिल बलूनी को भी मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी कुमाऊं क्षेत्र से एक उप मुख्यमंत्री भी नियुक्त कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि पुष्कर सिंह धामी को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। माना जा रहा है कि जल्द ही पार्टी विधायक दल की बैठक होगी जिसमें विधायक दल के नए नेता का चुनाव किया जाएगा। विधायक दल की बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहेंगे।